अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी काफी जोरों पर चल रही है। आइए उनके पदाधिकारियों से जानते हैं कि किस तरह की तैयारी हो रही है और इसका उद्देश्य किस तरह आगे बढ़ने वाला है, बताया जाए। हम लोग का जो मांगे है उसमें 10% आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भीख मांगने का काम नहीं करते। हम लोग का जो आगे भी लड़ाई चलती रहेगी और उसके लिए हम लोग जोर तोर से लगे हुए हैं। रक्सौल अनुमंडल से पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह ने सीधा कह दिया कि वो 10% से संतुष्ट नहीं है। आइए हम वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभानु सिंह जी से जानते हैं, जिन्होंने की काफ़ी संघर्ष किया है सवर्णों के आरक्षण के लिए। तो आइए जानते हैं आप क्या सोचते हैं इस विषय में। खुशी हुई इस बात से कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सवर्णों के तरफ जो है रुख किया है और 10% आरक्षण की बात कही है। इसके लिए उनको लाख लाख बधाई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस तरह से जातीय आधार पर अन्य लोगों को आरक्षण मिलता है, उस तरह से जातीय आधार पर आरक्षण दिया जाए, अन्यथा आरक्षण को समाप्त ही कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। SC ST कानून जो काले कानून के रूप में देश में अभी चर्चित है, इस काले कानून को या तो वापस लिया जाए, नहीं तो जांच के बाद ही FIR हो, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और 19-20 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम होना है, 20 जनवरी को नगर भवन में जो सभा का कार्यक्रम होगा, 19 जनवरी को हम मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को यह सूचना देंगे, सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के सवर्ण एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जी आइए हम जिला अध्यक्ष पिंटू पाठक जी से पूछते हैं, इसलिए कि वो हमें जो बताएंगे वो एक मार्गदर्शन होगा समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, कि वो उन्हें किस दिशा में सोचना है और किस दिशा में उन्हें सोचना चाहिए। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका। सबसे पहले तो मैं N24 के सभी लोगों को अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा पूर्वी चंपारण जिला इकाई की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। आप निरंतर हमारे कार्यक्रम को कवरेज करते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 19-20 जो मेरा कार्यक्रम है, 19 जनवरी महाराणा प्रताप जी का शौर्य दिवस है, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अधिवेशन को 19 जनवरी के तिथि दी है जी। जो पूरे देश के लगभग 27-28 राज्यों के सूबे के सवर्णों के नेता जो लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सवर्ण समाज से, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग गहन चिंतन मनन के लिए वह कार्यक्रम अधिवेशन के रूप में रखा गया है कि आगे हमारी रूपरेखा क्या होगी। अभी इसी कार्यक्रम मेरा पूर्व से तय है, यह 4 महीने पहले इस कार्यक्रम की घोषणा थी। इस बीच जैसे आपने हमारे साथियों से बात की है, आरक्षण की बात आई है, इसमें हम निश्चित रूप से सवर्ण समाज के लिए जो सरकार अभी कुछ कदम बढ़ाई है वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं स्वागत करता हूं कि मेरी ओर आकृष्ट हुई है। मेरे समाज के लोगों को जो भी परेशानियां हैं, मेरी मांग शुरू से रही है कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, हमारे बच्चों के लिए सवर्ण छात्रवृत्ति हो, सवर्ण छात्रावास। अभी जो 10% का मामला आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है ये लॉलीपॉप है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सही है, इस विषय में आप संक्षिप्त राय दें। संक्षिप्त राय यही है मेरा कि मैं केंद्र की सरकार को धन्यवाद तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए यह पर्याप्त नहीं है, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इससे आपकी मूल मांग, आप कितना प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं? मैं 1% भी मांग नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, मेरी मांग या आरक्षण मुक्त देश हो। अगर हो जो शहीद सैनिकों की विधवाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए, जो विकलांग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, या आर्थिक आधार पर जो बिल्कुल निम्न स्तर पर चले गए हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग को हो, उनके लिए आरक्षण जारी रहे, ये हमारी मांग है। हम अपने वर्ग के लिए हमेशा एक सवर्ण आयोग का गठन की मांग कर रहे हैं, निरंतर यह मेरा प्रयास है। मेरी लगभग 25 सूत्री मांगे हैं, जो खुला अधिवेशन जो मेरा नगर भवन के मंच से जो होगा, वो मैं 25 सूत्री मांगों को लेकर के उस कार्यक्रम को कर रहा हूँ और उसकी तैयारी जोरों पर है। उसी तैयारी के क्रम में सवर्ण वर्ग में जो चारों वर्ग आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज हो, ब्राह्मण
महासभा के लोग हों, क्षत्रिय महासभा के लोग हों, चितगुप्त समाज के लोग हों, मैं सभी के नेतृत्वकर्ताओं के घर घर जाके मिलने का काम कर रहा हूं और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और अपनी पूरी ऊर्जा देने का आश्वासन दे रहे हैं और दे भी रहे हैं, मुझे हर तरह का तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं। यहां देख सकते हैं कि जो सवर्ण समाज है वो अपने लिए अभी भी संतुष्ट नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हमें मिल रहा तो है, पूर्ण रूप से नहीं मिला है, अभी उसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मांगे कहां तक पहुंचती हैं और देश के भविष्य को किस तरह गढ़ पाती हैं। मैं अभिनव, ANN 24।